फ्रेंड्स कैसे हैं आप। फाइनली मैं आपको एक और वीडियो लेकर आया हूँ। और फ्रेंड्स आज आपको बताऊंगा, आप सबको बहुत ही सारे इनके कमेंट आ रहे थे कि सर क्या हम सिबुसु एप्लीकेशन के मदद से बुलियन के SSID यानी क्रिएट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप इनकी वीडियो बना दीजिए लाइव प्रूफ के साथ, क्योंकि हमें मालूम चल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, सिंपल और छोटा वीडियो होगा, आप इनकी वीडियो में बने रहे और टोटल जो कि डिटेल मैं आपको बताऊंगा तो आप वीडियो में जान पाएंगे। तो फ्रेंड्स इनकी वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, चलिए आपको मैं ओपन कर डायरेक्ट लाइव प्रूफ इनके दिखाता हूँ। चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। आप सभी इनकी कोई भी इनके ब्राउज़र इनके ओपन कर लीजिएगा, क्रोम ब्राउज़र या तो बुलियन एप्लीकेशन की मदद से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट सर्च और टाइप वेब एड्रेस में लिखना है, ठीक है, सिबुसु ऐप लॉगिन लिखिएगा। ठीक है, सिबुसु ऐप लॉगिन लिखेंगे तो देखिए फिर यहाँ पर बताए सिबुसु सिस्टम पोर्टेबल, ठीक है, इसी वाला ऑप्शन पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे ना तो देखिए फ्रेंड्स हमारा वो लॉगिन पेज इनके आ जाएगा, जिसमें फ्रेंड्स हमें मोबाइल नंबर इनके डालना होगा और यहाँ पर जो आपका पासवर्ड होगा ना वो इनके यहाँ पर पासवर्ड इनके डाल दीजिए। पहले इनके मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ और पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन वाला ऑप्शन डायरेक्ट क्लिक करेंगे। डायरेक्ट लॉगिन वाला ऑप्शन में क्लिक कर ले, देखिए फ्रेंड्स हमारा लॉगिन इनके हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लॉगिन हो जाने के बाद फ्रेंड्स आपको बता दूँ कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर डैशबोर्ड में इनके हमारा कुछ इनके ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, इनके शो हो रहा है, जिसमें फ्रेंड्स हमें रिमाइंडिंग डेट इनके बता रहा है आपको बुलियन का, अभी कितना दिन तक बुलियन और इनके ऊपर नेट बाकी उनके बता रहा है। उसमें आपका राउटर का कंडीशन बता रहा है किस प्रकार का जो कि नेट चल रहा है, ऑनलाइन 70 मिनट जो पहले हुआ है, ऑप्टिकल पावर इनके -22 dB में तो लगभग ठीक है, -22 से लेकर -26 के भीतर में रहता है तो बुलियन यहाँ से एक्सीलेंट कंडीशन में होता है पर वो स्पीड। उसके बाद देखिए भाई रीस्टार्ट का ऑप्शन मिला है, राउटर डिटेल वाला ऑप्शन पर डायरेक्ट क्लिक करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स ऑनलाइन सर्विस में इनकी आ चुके हैं। यहाँ पर राउटर डिटेल आपको बताएगा, जो कि यहाँ पर स्टेटस बता रहा है ग्रीन कलर, बोलेंगे आपका राउटर फिलहाल ऑन है, यहाँ पर कौन कौन मोबाइल कनेक्ट है वो इनके यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, और यहाँ पर फ्रेंड्स इनकी देखिए इनकी बता रहा है SSID नेम इनके बता रहा है। ठीक है, ये आपका बोलिंग प्राइमरी SSID नेम बता रहा है, बोलेंगे आपका डिफॉल्ट SSID नेम होता है ना वो इनके यहाँ बता रहा है। आपको बता दूँ फिर से यहाँ पर डायरेक्ट इनकी ब्रॉडकास्ट इनके बता रहा है, ब्रॉडकास्ट इनकी इनेबल करें तो फिर इससे बोलेंगे हमारा ये ब्रॉडकास्ट मेरा ये SSID ना बोलेंगे हमारा हाइड है। ठीक है, तो इनके हाइड पे इनके हम ब्रॉडकास्ट इनेबल कर देंगे तो बोलेंगे शो करने लगेगा मोबाइल फोन में। तो फिर से यहाँ पर कोई भी इनके ऑप्शन में इनकी देखने के लिए नहीं मिल रहा है, जिससे बोलेंगे हम SSID बोलेंगे 2N की क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर SSID नेम है, मगर फिर यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करते हैं तो कुछ भी ऑप्शन में इनके देखने के लिए नहीं मिल रहा है। यहाँ पर डायरेक्ट इनके ब्रॉडकास्ट बता रहा है, पासवर्ड और चैनल इनके किस चैनल पर आपको चलाना है इनके वो बता रहा है, अपडेट कर देंगे तो पासवर्ड चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इनकी यहाँ पर SSID इनकी नेम इनकी चेंज करने के लिए ऑप्शन भी नहीं मिल रहा है। सपोर्ट वाला ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो वो सपोर्ट इनकी ओनली बताता है। यहाँ पर पेमेंट वाला ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो बोलेंगे आपका कितना पेमेंट हुआ वो सब बताता है। मगर फ्रेंड्स इनकी यहाँ पर देखिए अबाउट ऑप्शन में बोलेंगे इसके बारे में आपको बताएगा, सेंड ईमेल पर करेंगे तो इनकी ईमेल के बारे में इनकी आपका बता रहा है। यहाँ पर सेंड ईमेल करने के लिए बिलिंग पर करेंगे तो आपको वही पेमेंट वेमेंट बताएगा कि आप किस इनके पेमेंट करे हुए थे। मगर फ्रेंड्स ऑनलाइन सर्विस में क्लिक करते हैं तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर आपका SSID नेम इनकी क्रिएट करने का कहीं पर भी इनकी ऑप्शन नहीं मिला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको लाइव प्रूफ इनकी मैं बताया, हालांकि फ्रेंड्स ये मैं आपको कमेंट भी कर रहा था, मगर फ्रेंड्स आपसे कमेंट आ रहे थे कि सर लाइव प्रूफ बताइए कि हम SSID बोलेंगे कि नेम इनकी क्रिएट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आपको फ्रेंड लाइव प्रूफ यहाँ पर मालूम चल गया कि बोलें कि आप SSID नेम इनकी क्रिएट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको बता दूँ फ्रेंड्स ओनली SSID फर्स्ट होता है ना, उसका नेम चेंज कर पाएंगे, पासवर्ड चेंज कर पाएंगे और डायरेक्ट चैनल इनकी सेट कर पाएंगे और ब्रॉडकास्ट बोलेंगे हाइड वाई पे करेंगे और ऑन हाइड इनकी वाई पे करेंगे। ठीक है, ओनली यही काम कर सकते हैं। मैं एक्ट्रेस ब्लॉग का तो बोलेंगे और काम करने के लिए आपका होम पेज इनकी ओपन करना होगा तो ही इनके होगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स लाइव प्रूफ आप जान लिए बोलेंगे कि यहाँ पर राउटर का इन्फॉर्मेशन मैं इनके आकर बता दिया, वो भी सिर्फ उसकी अप्लीकेशन खोल कर यहाँ पर बोलेंगे कि हम SSID बोलेंगे इनेबल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर नाइबर बैंड वाइज में जाएंगे तब पर बोलेंगे नज़दीक में जितना भी वाईफाई होगा ना वो इनके यहाँ पर सर्च कर आप इनकी दिखाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इनकी यहाँ पर SSID बोलेंगे हम नहीं क्रिएट कर पाएंगे, जो फर्स्ट SSID है वो इनके हम क्रिएट करके इनकी चला सकते हैं, उसका पासवर्ड चेंज करेंगे तो बोलेंगे उसमें हम कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यही सिंपल छोटा वीडियो आपका साथ शेयर करा, और भी फ्रेंड्स इस पर क्या क्या ऑप्शन है और भी इनके जानने के लिए मेरा ऑलरेडी वीडियो बन चुका है ट्यूटोरियल वीडियो, जो कि आई आइकन पर लगा दूंगा अथवा इन डिस्क्रिप्शन पर लगा दूंगा, प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे अब लैंग्वेज भी इनके यहाँ पर आकर डायरेक्ट चेंज इनके करें तो फिर आपका ये लैंग्वेज भी नेपाली में इनकी सभी इनकी बताएगा। ठीक है, आपको डायरेक्ट मैं इंग्लिश ही रहने देता हूँ, यहाँ पर बता रहा है।
तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक से जरूर करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब का बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स हम इसी तरह न्यू वीडियो अपलोड करता रहूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल जाएगा और आप वीडियो को देख सकते हैं। आपको फ्रेंड्स कि मैं लाइव प्रूफ बताने के लिए बोलेंगे दूसरों एप्लीकेशन ओपन करके आपको बताया, आप इनकी जानकारी ले करिए इन करते वीडियो को।